नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RRB मैथ की 94 में, और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों आज हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 9 और टाइप 8 ब्याज के औसत दर पर आधारित प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपया का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है टोटल जो है 15,000 रुपया है, टोटल 15,000 रुपया है, टोटल कितना है 15,000 रुपया है, 15,000 रुपया, और 15,000 रुपये में से ये क्या करता है कि कुछ भाग को 15% की दर से, कुछ भाग को जो है 15% की दर से और कुछ भाग को 10% की दर से उधार देता है। इसके बाद कह रहा है व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। कुल कितना प्राप्त हुआ? 12%, 12% औसत दर प्राप्त हुआ। यहाँ पे दोस्तों हम एलिगेशन तरीका लगाएंगे, यहाँ पे एलिगेशन तरीका लगाएंगे तो यहाँ अब यहाँ से हम घटा देंगे, जो अधिक संख्या रहेगी उसी में से घटा देंगे। यहाँ पे 15 में से 12 घटा देंगे, कितना होगा? 3% होगा, और 12 में से 10% घटाएंगे तो कितना होगा? 2% होगा, यानी 2% हुआ और 3% हुआ, और यहाँ से परसेंटेज को परसेंटेज से काटेंगे तो कितना होगा? 2:3 होगा, यानी 2:3 हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करना है, जबकि टोटल धन दिया हुआ है 15,000 रुपया और अनुपाते इसका निकल कर आया 2:3। तो हम 2:3 यहाँ पे टोटल निकल के आया है और इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों अनुपाते को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हुआ? 5 हुआ, और रियल में कितना दिया हुआ है? कुल 15,000 दिया है। तो कुल यहाँ पे 15,000 है तो यहाँ पे 15,000 लिखेंगे। यहाँ पे अनुपाते 5 का वैल्यू 15,000 है तो अनुपाते 1 का वैल्यू कितना होगा? 3,000 होगा। जब अनुपाते 1 का वैल्यू दोस्तों 3,000 है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 10% का 3 है, हमें इसका 3 का निकालना है। जब 1 का वैल्यू हम जानते हैं 3,000 है तो यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना होगा? 9,000 होगा, यानी 3,000 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो 9,000 होगा। यही 9,000 रुपया हमारा आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने 5,000 रुपया आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ भी हमें एलिगेशन फार्मूला ही लगाना है, यहाँ भी एलिगेशन तरीके से ही लगाएंगे। टोटल कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपया है, यानी टोटल जो दिया हुआ है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, और इसमें से यह 4%, 4% और 5% के दरों पर दो लोगों को उधार दिया। एक को 4% की दर पर उधार देता है और दूसरे को 5% की दर पर उधार देता है, और कुल कितना देता है? कह रहे 2 वर्ष बाद 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। कुल कितना प्राप्त हुआ? 4.2% प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम एलिगेशन तरीका लगाएंगे, अब यहाँ हम घटा देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 4.2 है, तो
तो हमें घटाना है, जो अधिक रहेगा उसी में से कम वाला घटा देंगे। जब 4.2 में से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 0.2% बचेगा, और यहाँ 5 में से हम 4.2 घटाएंगे तो 0.8% होगा। अब यहाँ से हम काटेंगे, काटेंगे तो कितना होगा, 2 × 1 = 2 हुआ, 2 × 4 = 8 हुआ, यानी यहाँ पे कितना होगा, 4:1 होगा, 4:1 हुआ। यहाँ पे जो रियल में दिया हुआ है 4:1, 4:1 को हम जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, और जो टोटल कितना दिया हुआ है दोनों जोड़ने पर कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया, यानी जो टोटल रुपया है दोस्तों 5,000 दिया हुआ है, तो 5:5 = हम 5,000 लिखेंगे। जब 5 का वैल्यू 5,000, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू होगा 1,000, 1 का वैल्यू 1,000। तो क्या पूछा है, 4% की दर पर दिया गया धन, 4% का कितना होगा दोस्तों, 4% का 4 है तो 4% का 4 है, तो हम यहाँ पे जब 1% = 1,000 है तो 4% = कितना होगा, 4,000 रुपया होगा, यानी 4,000 रुपया दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपया थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए, उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपया ब्याज के रूप में मिले, तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। यहाँ पे कह रहे 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिया था, और दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वर्ष में कुल 92 ब्याज के रूप में मिले, यानी कुल ब्याज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टोटल दर निकाल लेंगे, कुल ब्याज कितना दिया हुआ है, यानी जो SI = 92 रुपया दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका दर निकाल लेंगे। दर R = कितना होगा, R = होता है SI × 100/P × T होता है। अब इसके बाद जो SI कितना दिया हुआ है, 92 रुपया है, तो हम यहाँ पे 92 लिखेंगे गुणे 100/P, यानी मूलधन कितना है, मूलधन 2,000 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पे हम 2,000 लिखेंगे। × T कितना है, यानी जो समय है, समय एक वर्ष का है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ से 2 0 से 2 0 काटेंगे, और यहाँ पे काटेंगे 4 से, तो 4×5 = 20 हुआ, 4×2 = 8 और 4×3 = 12 कितना हो गया, 23/5 हो गया, 23/5, और 23 में हम 5 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 6.5 होगा, यानी R = कितना होगा, R = दोस्तों जो होगा R = 6.5% होगा। अब दोस्तों यहाँ पे R निकल गया, यानी जो औसत दर है वह ज्ञात हो गया। अब चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे, टोटल कितना था, टोटल था 2,000 रुपया, टोटल 2,000 रुपया था, और उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दिए। कुछ को ये क्या किया कि 5% पर और कुछ 4% पे उधार दिया, और कुल औसत दर कितना है, 6.5%, 6.5% है। यहाँ पे हम एलिगेशन तरीका लगाएंगे, तो यहाँ से हम घटा देंगे, 6.5 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 4.6 होगा, क्यों भाग करेंगे यहाँ पे हम 5 का जब 23 में भाग करेंगे तो कितना होगा, 4.6 होगा, 4.6, चार दशमलव छः परसेंट होगा।
यानी जो औसत दर है 4.6% है। दोस्तों यहाँ पे 4.6 बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम घटाएंगे, अब घटाएंगे इसमें से 5 में से हम 4.6 घटाएंगे तो कितना होगा, 0.4 होगा। और इसमें से घटाएंगे 4.6 में से जब 4 घटाएंगे तो 0.6 होगा। अब यहाँ से काटेंगे ये परसेंटेज में लिखिएगा, यहाँ से जब काटेंगे तो 2 3 6 होगा, 2 2 4 होगा, यानी कितना होगा, 3:2 होगा। अब इसके बाद दोस्तों ये जो टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल 2000 दिया है, यानी 3:2 को हमें जोड़ लेना है। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, यानी अनुपाते पाँच बराबर दिया हुआ है 2000। यहाँ अनुपाते पाँच बराबर कितना दिया है, 2000 रुपया दिया हुआ है, तो अनुपाते एक का वैल्यू कितना होगा, 5 से 2000 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। अनुपाते एक का वैल्यू 400, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं 5% की दर पर, तो 5% का कितना है, 3 है, तो यहाँ पे जब एक का वैल्यू 400 तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 का वैल्यू 1200 रुपया होगा, यानी 1200 रुपया दोस्तों आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।